नमस्कार, लाइम इंस्टीट्यूट के एक और नए और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और किस तरह से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो हम आपको बता दें कि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ ऑलवेज़ आपको अपडेटेड रखने वाले हैं रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये बेल आइकॉन को भी क्लिक करना ना भूले। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हब के तौर पर उभर रहा है, भारतीय आयात और निर्यात बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि का कारण अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योर्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने से पहले स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के साथ प्रोज एंड कॉन्स भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे प्रमुख विषय जिसका आपको प्लानिंग करना चाहिए वो है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट्स। हमको इस व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त होने वाली क्षमता और कमाई को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो निवेश के आकार पर विचार किए बिना किसी को भी आसानी से एकोमोडेट कर सकता है। यदि अगर ये बिजनेस को रणनीतिक रूप से नहीं किया गया तो भारी पूंजी के साथ आयात निर्यात व्यवसाय शुरू करना आपके लिए हो सकता है एक बुरा सपना साबित हो। और ऐसा अगर आप लाइम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हो तो हम कभी होने ही नहीं देंगे और इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि आयात निर्यात का कारोबार तभी संभव है जब आपके पास एक बड़ा बजट हो। उन सभी के लिए जो कम निवेश के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं उन्हीं के लिए तो ये वीडियो हम लेके आए हैं। शुरू करते हुए जो हमारा पहला स्टेप है वो है मेक द डिसीजन, राइट, निर्णय ले। कम निवेश के साथ आयात निर्यात व्यवसाय शुरू करने का पहला कदम दूसरे देश में व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेना ही है। The first step to start import export business with less investment is taking the right decision to starting a business in another country, right? सफलता पाने के लिए उचित योजना और पूर्वानुमान बहुत ही आवश्यक है। ऐसी कई चीजें हैं जिन पर सोचने के समय हमको निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि वे एक व्यवसाय शुरू करते हैं, इसलिए उसी की एक चेकलिस्ट बनाए और उसका उत्तर दे। जैसे ही आप प्लान करें कि हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो आप जैसे ही ये स्टडी स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आएगी और सभी चीज़ों को एक चेकलिस्ट के रूप में आप एक पेज में नोट डाउन कर लें और उस चेकलिस्ट को अचीवमेंट के हिसाब से जैसे जैसे आप एक एक चीज़ जो है वो अचीव करते जाएँ उसमें क्रॉस मार्क लगाते जाएँ ताकि आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक नए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर सके और स्टार्ट कर सके। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको ज़रूर बताएंगे कि उत्पाद का निर्णय यानी कि प्रोडक्ट का जो डिसीजन है वो विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करेगा और उनमें से एक प्रमुख जो पहलू है वो है निवेश जो कि आप करने वाले हो। तो आप एक टेंटेटिव बजट है वो सेट करके चले कि मेरे पास अभी इतना फंड अवेलेबल है और इतने फंड में से आपको सारी चीज़ें जो है वो अरेंज करनी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेसिक आपके पास जो भी फंड अभी अवेलेबल है वो आप नोट डाउन कर ले और उसमें से फिर डिवाइड करें कि ये जो चीज़ है उसमें ये एक्सपेंस लगेगा, ये चीज़ों में ये एक्सपेंस लगेगा और आप इनिशियल लेवल से क्या शुरू कर सकते हैं और किस तरह से आपको कितना अमाउंट जो है वो आपको इनिशियल लेवल पे ही इन्वेस्ट करना होगा। पॉइंट नंबर टू पे आते हैं, गेन द बेसिक नॉलेज। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो लैकिंग है वो कर जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स जब नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी और का बिजनेस देख के। बाजार की आवश्यकता को समझने और जानने का सबसे अच्छा तरीका है उत्पाद के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। सबसे अच्छा निवेश उस उत्पाद के बारे में बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना होगा जिसे आप बाजार में लाना चाहते हैं और ग्राहकों और खरीददारों को खोजने में आपको समय भी निवेश करना होगा। और यहाँ पे लाइम इंस्टीट्यूट जो है वो आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कोर्सेज चलाती है और हमारे पास बहुत बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको हमारी कॉम्पिटिशन से यूनिक रखती है। उसमें
जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर है जो कि हम अपनी कंपटीशन से अलग रखते हैं, वो है हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच। यस, हम सारी चीज़ें जो हमारे स्टूडेंट्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में सिखाते हैं वो 100% प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही सिखाते हैं। और अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानना है तो अभी ही नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक है और सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हो या तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। अब हमारा पॉइंट नंबर 3 है ऑब्टेन ऑल द नीडेड टूल्स, राइट। सभी आवश्यक उपकरणों को प्राप्त करें, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होगी हालांकि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो यहाँ पे हम ऑफिस स्पेस या वो लग्जरी वाली चीज़ों की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बेसिक और एसेंशियल चीज़ें हैं वो तो आपको लगेगी ही लगेगी। और इनमें जो शामिल है वो है इंटरनेट कनेक्शन, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा ताकि आप जो रिसर्च करना हो, जो कि आपको मेल के थ्रू कोऑर्डिनेशन करना हो, आपके कस्टमर्स के साथ बातचीत करनी हो, वीडियो कॉलिंग्स करनी हो, तो इंटरनेट कनेक्शन, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर लगेगा आपको। इसके अलावा लैपटॉप या तो पीसी एक आपके पास होना चाहिए जिससे आप सारा कम्युनिकेशन और रिसर्च वगैरह कर सके। इसके अलावा बेसिक स्टेशनरी जो है वो आपको चाहिए होगी। पॉइंट नंबर 4 वो है डिसाइड योर मार्केट एंड अकॉर्डिंगली सिलेक्ट द प्रोडक्ट, राइट। आप कौन सी प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहते हैं और वो प्रोडक्ट का टारगेट मार्केट कौन सा है, यह तय करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हम कहने वाले हैं। निर्यात आयात व्यवसाय शुरू करने पर विचार करने से पहले लक्षित बाजार और माल का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पाद के प्रकार, संभावित देश में इसकी मांग, पर्यावरण और कानूनी शर्तों, नियमों और विनियमों आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाना बिजनेस शुरू करने से पहले जरूरी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, मेक बिजनेस प्लान्स एंड इनकॉर्पोरेटेड बाय डूइंग प्रमोशंस, राइट। एक व्यवसाय योजना बनाए और प्रचार करके इस बिजनेस को प्रमोट करे। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए विस्तृत अनुसंधान और योजना आवश्यक होती है, और इसलिए एक व्यवसाय योजना बनाए और विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन स्रोतों के माध्यम से इसे बहुत बहुत अच्छा बढ़ावा दे। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करें तो ये है डेवलप रिलेशंस एंड मेक कॉन्टेक्ट्स, राइट। तो संबंध विकसित करें और संपर्क बनाए। देखिए, ये आप बिजनेस शुरू करते हैं और इनिशियल लेवल पे आपको जो भी कस्टमर्स मिलते हैं उन कस्टमर्स को आपको मेंटेन करना है, रिलेशन उन कस्टमर्स के साथ एक बहुत ही सही रिलेशन और रेपो मेंटेन करना है ताकि आगे आने वाले टाइम में यही कस्टमर्स जो है वो आपको बिजनेस में ग्रोथ दे पाए, रेफरेंस दे पाए, और अगर आपके रिलेशंस अच्छे रहे तो ये परमानेंटली आपके साथ जुड़े रह पाए। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये है लाइसेंस क्लियरेंस, राइट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती है, और जैसे ही आप बिजनेस को शुरू करने का प्लान करें तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए वो है लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइसेंस के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहता हो तो आप उन्हें ये वीडियो जो है वो मैक्सिमम जो है वो शेयर करें ताकि उनकी एक सही तरह से हेल्प हो सके और उनको इनिशियल लेवल पे जो गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो वो सही जगह से मिल पाए, ठीक है। तो शेयर इस वीडियो को हो सके उतना जरूर करना। इसके बाद हमारी पॉइंट नंबर 8 है, ये तो जरूरी नहीं है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर देने के बाद आपको पूंजी की जरूरत नहीं होगी, यानी कि कैपिटल की जरूरत नहीं होगी। आपको जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा तब तब आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती जाएगी। जैसे जैसे आपका बिजनेस जो है वो एक्सपैंड होता जाएगा आपको ऑलवेज कैपिटल की जरूरत बढ़ती जाएगी। तो ऐसे केस में जैसे हमने बताया कि अगर आपके पास सारे लाइसेंसेस है, जैसे कि आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड है, आपके पास एक सही बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट जिसे हम बोलते हैं, अगर आपके पास एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का लाइसेंस है, अगर आपके पास्ट में किए गए ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड्स है और
सही तरह से आप एक एक लंबे समय से बिजनेस कर रहे हो और आपके पास सारे प्रूफ जो है वो वैलिड प्रूफ है, तो आगे जाके आप रेज कर सकते हो कैपिटल जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी 8 ऐसी चीज़ें जो कि आप बेसिक और मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी होती है, जाननी ज़रूरी होती है, इम्प्लीमेंट करनी ज़रूरी होती है। ऐसी 8 चीज़ें हमने आपको बताई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सही तरह से हेल्पफुल हो साबित हो सकती है। तो अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें एक नया वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए। इस चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।